हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। गूगल शीट में खास क्या क्या सीखेंगे, आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम किसी एक सेल में मौजूद है, कहीं एक सेल में हम क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। जैसे आपको फाइल मेन्यू पे जाना है तो आपको अल्ट शिफ्ट और एफ बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से एक साथ। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप फाइल मेन्यू पे आ जाएंगे। अब आपको ओपन करना है, क्या करना है, यहाँ पे चले जाइए आसानी के साथ, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना है तो आपको ऑल्ट शिफ्ट आई प्रेस करना है, इंसर्ट मेन्यू पे आप चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रो कॉलम क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं वो आप आसानी के साथ इंसर्ट करा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाना चाहते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट और आपको प्रेस करना है ओ बटन। ये देखिए फॉर्मेट मेन्यू खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट टाइपिंग हो या जो कुछ भी, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर टूल्स मेन्यू पे जाना हो तो ऑल्ट शिफ्ट और टी प्रेस करेंगे तो आप सीधा कहां चले जाएंगे, टूल्स मेन्यू पे आ जाएंगे। देखिए टूल्स मेन्यू वाली विंडो ओपन हो गई है। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी। अगर आप यहां से शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहां से जाके कर सकते हैं, सारे काम आसानी के साथ हो जाएंगे। तो इन सारे शॉर्टकट की मदद से आप कीबोर्ड के ही माध्यम से आसानी के साथ चला सकते हैं गूगल शीट। आई होप कि ये बात आपको पसंद आएगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।